क्लास फिफ्थ नेशनल साइंस ओलम्पियाड चैप्टर नंबर फाइव दैट इज़ पॉल्यूशन एंड कैलेमिटीज़ वेरी हैपनिंग टॉपिक है ना पॉल्यूशन हम चारों तरफ देख रहे हैं नेचुरल कैलेमिटीज़ भी देख रहे हैं अर्थक्वेक्स आ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ठीक है सुनामी आ रही है जगह जगह सैनड्यून्स ठीक है तो ये सब जो हैं नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं और पॉल्यूशन यू हैव ऑलरेडी सीन इट्स इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन नॉइज पॉल्यूशन तो इस चैप्टर में हम डिटेल्स में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है पॉल्यूशन ऑफ एयर वाटर एंड सॉयल नॉइज़ पॉल्यूशन कंजर्वेशन ऑफ एयर वाटर एंड सॉयल कि हम उसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग दैट इज़ इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एंड दैट नेचुरल कैलेमिटीज़ तो इनका वन बाय वन स्टडी हम हम करते हैं फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट पॉल्यूशन ऑफ एयर वाटर एंड सॉयल सबसे पहले देखते हैं बहुत अच्छा एयर पॉल्यूशन का डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ दैट थ्रू वेरियस एक्टिविटीज द पॉल्यूटेंट्स आर इंक्रीजिंग इन द एटमोसफेयर थ्रू एरोप्लेन्स थ्रू द सिटीज चिमनीज थ्रू द मूविंग व्हीकल्स थ्रू लाइफ स्टॉक थ्रू नेचुरल कैलमिटीज लाइक लाइटनिंग वाइल्ड लाइफ वॉल कैनोज फॉरेस्ट्स ठीक है थ्रू द व्हीकल्स दैट इज़ कार्स ट्रक्स बसेस मोटरसाइकल्स सो दे ऑल आर एमिटिंग आउट पॉल्यूशन और वो कहाँ जाके कर इकट्ठा हो रहा है स्काई में नेक्स्ट इज अनदर वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ लैंड एयर एंड वाटर पॉल्यूशन देन सी हाउ द थिंग्स आर मिक्सिंग इन द एनवायरमेंट अमोनिया इतना मिक्स हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिस्पर्जन इन एंड रिएक्शन इन द एटमोस्फेयर ठीक है लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट इन द एटमोसफियर जो कि आप देखते हैं इतना व्हीकल्स ट्रैवल हो रहे हैं ठीक है दीज ऑल आर कॉजिंग हार्म टू दिनवायमेंट दैन देयर इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन देखिए कितनी डेसिबल आपके लिए फाइन होता है और आपको कितना इंक्रीज मिलता है फायर वर्क से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लाउड साउंड होता है Then, police siren, helicopters, hair dryers, trucks, they also cause very loud sound. Cars, chat, rain, they cause loud sound, moderate sound. Refrigerator, whisper, rustle of leaves and breathe, they are. ओके ओके सो दिस इज़ हाउ द डे द फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज़ मेजर्ड इन डेसिबल सो डेसिबल का इंक्रीमेंट यहाँ पे दिया हुआ है किस तरीके से इंक्रीज होते जाते हैं थ्रू आर वेरियस एक्टिविटीज नॉइज पोल्यूशन इज मेकिंग पीपल डेफ एंड इट इज कॉजिंग सीरियस प्रॉब्लम्स इन स्पेशली इन ओल्ड एज पीपल एंड पेशेंट्स दैन हाउ जी एमओज एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस कैन इम्प्रूव एयर क्वालिटी एयर क्वालिटी आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं सम मेथड्स आर शोन हेयर बिग वेज टू सपोर्ट द एनवायरमेंट मोर बेनिफिशियल थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड यू नीड टू इनक्रीज द ऑर्गेनिक मटीरियल बेटर मॉइस्चर लेस सेरोजन देयर आर सम चैलेंजेस फॉर यू फूड फाइबर फ्यूल विच आर हायर एंड डिमांड ठीक है इन्हें आप अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना दे विल भी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ग्लोबल वार्मिंग नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग क्या है द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज एंड दस लीडिंग अस टू स्वेट इवन इन अक्टूबर इस समय भी तपस्ना आ रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग दैन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम नेचुरल डिजास्टर्स जो 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 कैलेमिटीज़ आपके मैं टॉपिक दिया हुआ क्या क्या नेचुरल डिजास्टर्स हैं टोनेडो आ जाते हैं ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ जाता है अर्थ कोक आ जाता है फ्लड यानी कि बाढ़ आ जाती है विंड स्टॉम्स आ जाते हैं तूफान एवलेंच आ जाते हैं अपने बर्फीले तूफान देखे होंगे वॉलोज इराप्ट हो जाते हैं फॉरेस्ट में फायर लग जाती है सुनामी आ जाती है पानी के अंदर सैंडस्टॉम आ जाते हैं हरी कैंस आ जाते हैं डस्टॉम आ जाते हैं स्नो स्टॉम थंडर स्टॉम हेल स्टॉम यानी कि ओले पड़ जाना सिंखोल दीज आर सम नेचुरल कैलॉमिटीज सो इन्हीं टॉपिक्स को स्टडी करते हुए आगे बढ़ेंगे हम अपनी बुक एक्सरसाइज के पास चलते हैं फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन द रेपिड फ्लो ऑफ स्नो डाउन अ हिल और माउंटेन साइड इज कॉल्ड अभी अभी मैंने आपको एवलेंच दिखाया था यही होता है तूफान बर्फीला तूफान सेकेंड है सिलेक्ट वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मैं पहले मैं बताती हूँ बायोडिग्रेडेबल चीज़ें वो होती हैं दैट कैन बी डीकम्पोज बाय माइक्रोब्स और वो मिट्टी में इजीली मिक्स हो जाती हैं जबकि मोबाइल वगैरह जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं दे कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रोब्स सो जो यहाँ पर हे है हे होता है भूसा पौधों में से निकल उसमें से निकलता है ना जैसे आप ये लगा लो शुगर केन का आगे वाला हिस्सा तो ये ही है दिस इज अ बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट द करेक्ट ऑप्शन इज सी थर्ड है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वॉलकैनिक इप्शंस इनकरेक्ट बतानी है कौन सी गलत है पॉइजनस गैसेज आर रिलीज ड्यूरिंग वॉल्केनिक इप्शन बिल्कुल सही बात है एंड इरप्टिंग वॉलकैनों में ट्रिगर सुनामीज़ और अर्थक्वेक्स हाँ इनसे आ सकता है द बैरन लैंड यानी कि जो बंजर जमी है इज़ एन एक्टिव वॉल्केकैनो इन अंडमान आइलैंड्स इन इंडिया अंडमान आइलैंड्स में जो खाली पड़ी हुई बैरन जमीनें हैं वो उसमें वॉलैनिक इरप्शन हो जाता है हम्म सही बात है तो इसमें से इनकरेक्ट तो कुछ है नहीं तो नन ऑफ द इज इज़ द आंसर क्वेश्चन नंबर फोर ग्रीन हाउस गैसेज कॉज ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेज से ग्लोबल वार्मिंग होती है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस गैस है कौन सी देखो वाटर वेपर सी एफ सी एस क्लोरो फ्लोरोबंस सी एफ सी एस होती है क्लोरो फ्लोरोबंस कार्बन डाइऑक्साइड आर ग्रीन हाउस गैसेज ग्रीन हाउस गैसेज मेक अ लेयर अराउंड द अर्थ एंड प्रिवेंट हीट फ्रॉम एस्केपिंग इन टू द एनवायरमेंट जिससे कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव सिलेक्ट द मेथड दैट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन बाय वाटर सॉइल इरोजन क्या होता है सॉइल की ऊपर वाली लेयर का उड़ जाना इस सॉइल इरोजन तो किस मेथड से सॉइल इरोजन नहीं होता है टेरेस वार्मिंग में होता है भाई विंड विंड ब्रेक्स में नहीं होता एम्बार्कमेंट में होता है तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर डी विच विच मीन्स ए एन सी ओके सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाटर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज मेक वाटर मोर ट्रांसपेरेंट कॉजिंग डेथ ऑफ सम मच एक्वेटिंग प्लांट्स ये कोई रीज़न नहीं है नो पॉल्यूटेड वाटर कैन कॉज डिसीज लाइक टाइफॉइड कोलेरा एंड डायबिटीज़ बिल्कुल भी नहीं ताँग, ना टाइफ होता है ना कोलैरा होता है ना डायबटीज होता है Water pollution increases dissolved oxygen level of water. No, this is not a valid reason. Suspended impurities make water less transparent, causing death of so much aquatic. Diabetes is not a waterborne disease. It occurs due to high blood pressure. And water. water pollution decreases dissolved oxygen and level of water. Agriculture runoff pollutes water by adding pesticides. एंड फर्टिलाइजर्स इन टू इट यस दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट ई पार्ट क्वेश्चन नंबर सेवन पर चलते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर रिएक्ट विद वाटर इन द एयर दे कॉज एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर एंड दीज फॉल डाउन विद रेन ड्रॉप्स और वो वो करते हैं एसिड रेन बना देते हैं वो लोग ठीक है तो नाइट्रोजन और सल्फर जो ऑक्सीजन में एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है वो जब ऑक्सीजन के साथ मिलती है वो बना देती है एसिड और दिस इज कॉल्ड एसिड रेन सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी हेयर क्वेश्चन नंबर एट रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज एक्स एंड वाई एक्स कौन सा है और वाई के आंसर है हमें ये आइडेंटिफाई करना है नेचुरल डिजास्टर कॉज ड्यू टू शेकिंग ऑफ द अर्थ इज दिस इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायंट वेव्स एक्स की साइड है अर्थक्वेक सुनामी इज ऑफ वन कॉज ड्यू टू अंडर सी अर्थ क्वेक तो अर्थक्वेक से नहीं होती है ये अंडर अंडर अर्थ क्वेक अंडर वाटर होती है तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट नहीं इन्होंने हमें आइडेंटिफाई करने को बोला है एक्स है यहाँ पर सुनामी और वाई है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज बी नाउ गिवन पिक्चर शोज टेरेस फार्मिंग टेरेस फार्मिंग आपने देखी है रिड्यूस सॉइल इरोजन बाय रिड्यूस सॉइल इरोजन बाय वाटर रिड्यूस रिड्यूसल इरोजन बाय ओवरग्रेजिंग रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन बाय डिफॉरेस्टेशन इससे ना पानी पानी वाला इसका सिस्टम होता है तो टेरेस फार्मिंग स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड दस रिड्यूस सॉइल इरोजन बाय वाटर द करेक्ट ऑप्शन इज ए बी पार्ट सॉरी टेंथ ह्यूमन्स कैरी आउट डिफॉरस्टेशन टू प्रोवाइड स्पेस फॉर बिल्डिंग्स एंड फार्म क्यों काटते हैं हम पेड़ पौधे जंगल जिससे कि बिल्डिंग के लिए, लिए स्पेस मिल जाए फार्म के लिए स्पेस मिल जाए सम समल्सो कट डाउन ट्रीज टू प्रोवाइड वुड फॉर फर्नीचर पेपर मैनुफैक्चरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वुड पॉसिबली रिजल्ट फ्राम द अब एक्टिविटीज़ पेड़ इतने काटोगे तो क्या होगा भाई टॉप टॉप सॉइल इरोजन में आकर हाँ वो तो होगा ही ठीक है सम एनिमल्स में भी कम एक्सटिंक्ट ये भी है पौधे कटेंगे तो एनिमल्स भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और देयर में भी प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हाँ ये भी सही है ग्लोबल वार्मिंग तो होगी टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा जब कन्वर्जन ऑफ गैसेज नहीं होगा सम पॉसिबल सोर्सेज ऑफ नेचुरल ड्रग्स टू क्योर डिसीज में भी लॉस्ट हाँ बहुत सारी इंपॉर्टेंट पेड़ ही कट जाएंगे उनसे बनने वाली मेडिसिन भी नहीं बन पाएंगी तो सारे ही ऑप्शन सही लग रहे हैं तो डी पार्ट यहाँ पर ठीक रहेगा बिकॉज ऑल आर शोइंग द करेक्ट आंसर्स नेक्स्ट नाउ लेट्स कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर इलेवन विच ऑफ द फॉलिंग स्टेटमेंट इज करेक्ट लेयर बिलो द क्रस्ट इज कॉल मेंटल नो इट्स रॉन्ग लिक्विड दैट कम्स आउट ऑफ द वॉल केनो इज कॉल्ड मैग्मा नो इट इज़ कॉल्ड लावा थर्ड इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इरापशन वॉल कैन बी एक्टिव डॉनमेंट और एक्सटिंग यस दिस इज द करेक्ट आंसर मैग्नीट्यूड ऑफ सुनामी इज मेजर्ड ऑन रिचन स्केल नहीं सुनामी का नहीं अर्थ को एक कर मैजर करते हैं रिच स्केल पे तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट ट्वेल्थ विच ऑफ द फॉलोइंग पेज इज रॉन्गली क्लासीफाइड किसका क्लासीफिकेशन रॉन्ग किया हुआ है हमें ये बताना है इंक्रीजिंग रबिश इन रेजिडेंशियल एरिया कवरिंग ओपन डिस्टबेंस लेफ्ट आउट इन द ओपन यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कटिंग डाउन Use of fossil fuels, cutting down trees, collecting rainwater of watering garden plants, discharge of agriculture, runoff into water bodies, using recycled material, leaving unfinished food at the canteen table. Kaun sa wrong pair hai? Wrong pair hai par. Increasing rubbish in residential area will have negative effect on environment as it will release harmful gases in the air. So the wrong option is a part here. चॉक्स अकर वेन द डिस प्लेट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट फॉल बैक इन टू प्लेट इन टू डिप्लेस येस आपने देखा होगा कई बार अर्थकुक खाने के बाद छोटे छोटे अर्थक्विक नॉन स्टॉप आते रहते हैं क्योंकि वो प्लेट्स अपने आप को वापस एडजस्ट करती हैं ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट तो yes, so, पॉइंट है इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट अर्थक्इक इज कॉल सिस्मोग्राफ यस इट इज़ ट्रू सो दोनों ऑप्शन सही हैं यानी कि द करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट हेयर फोर्टीनथ पे चलते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग थिंग्स लिस्टेड बिलो आर नॉन बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल माने जो कि मिक्स नहीं हो सकती एनवायरमेंट में सो कॉटन टी शर्ट बायोडिग्रेडेबल है ग्लास कप इज नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं हो सकता गोल्ड नेकलेस डेबिट कार्ड ये दोनों नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है दे कैन नॉट बी डीकम्पोज तो रोस्टेड चिकन हो सकता है डेबिट कार्ड नहीं हो सकता बनाना हो सकता है तो जो नहीं हो सकते पहले उनकी बात करते हैं ग्लास कप नहीं हो सकता गोल्ड नहीं हो सकता डेबिट कार्ड सो सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ कहाँ पर आ रहे हैं सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ आ रहे हैं डी पार्ट में सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट फिफ्टीन पे चलते हैं द गिवन ऑप्शन शोज अस द बैक्टीरियल काउंट ऑक्सीजन लेवल एंड द नंबर ऑफ ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द रिवर नियर फोर टाउन्स ठीक है ए बी सी डी विच टाउन इज सिचुएटेड नियर एन अन पॉल्यूटेड रिवर अन पॉल्यूटेड रिवर के किनारे पे कौन सा गांव है भाई देखते हैं वेस्ट थ्रोन इन द रिवर कॉजेज वाटर पॉल्यूशन पार्ट में अगर आप देखो बैक्टीरियल काउंट भी कम है ऑक्सीजन लेवल ज्यादा है ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होना यानी कि इट्स अ गुड क्वालिटी जो कि आप देख ही नहीं रहे हो कहीं और है और हरे पौधे भी ज्यादा हैं इसमें एनिमल भी ज्यादा है सब कुछ बढ़िया है तो ये सारा सबसे बेस्ट रहा भाई अचीवर सेक्शन पर चलेंगे रीड द गिविन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स इन एनी टू ऑफ दैम डैश इज एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प्स ड्यूरिंग वेरियस डिजास्टर सॉल्यूशंस। डब्ल्यू एच ओ करते हैं एन सी सी भी करती है वैसे ऐसी बात नहीं है डैश कैन बी ए नेचुरल कॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर किस वजह से लग सकती है लाइटनिंग की वजह से लगती है अरे तो ऑप्शन भी मिलने लगा हमें दोनों ही मिल गए द हॉट मोल्टन रॉक प्रेजेंट इनसाइड द बॉल इज कॉल्ड मैगमा फोर्थ है आर ग्रीन हाउस गैसेस क्लोरो अच्छा ट्रॉपिकल स्टॉम इज कॉल्ड हरिकैन इन साउथ एशिया तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जा रहा है दिस इज द करेक्ट वन आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट वॉज डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली बाय फॉरेस्ट फायर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू रिगार्डिंग इट More soil will be eroded, or as the soil is not protected by plants, yes, it is a correct option. The land will have more fresh air as there are lesser trees to take in oxygen. Mm, yes, it may be the reason, but not to that extent. Wildlife will inhabit. द क्लियर एरिया बिकॉज मोर स्पेस अवेलेबल नाउ नो 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 ये कुछ नहीं है वाइल्ड लाइफ तो कम भीड़ वाले जंगल में भी बहुत होती है द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर विल इंक्रीज एंड कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस इफेक्ट हाँ ऑक्सीजन कम होगी ना फिर पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कम हो जाएंगी तो मेरे हिसाब से तो फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट बिल्कुल ठीक है और फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट हमें मिल रहे हैं बी आंसर में तो करेक्ट ऑप्शन इज बी हेयर क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारा एटीन इस चार्ट को देखना है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ नॉट हिडन इन द गिवन वर्ड रेज ऑफ सन दैट कॉजेज कैंसर अल्ट्रावायलेट रेज मुझे तो यहीं मिल गया है ये रहा ठीक है अ गैस अ गैस दैट कैन कॉज ग्लोबल वार्मिंग मीथेन गैस ये रही मीथेन गैस आगे बढ़ेंगे नाइनटीन मेथड दैट प्रिवेंट ऑयल इरोजन बाय विंड विंड ब्रेक्स ये रहा विंड ब्रेक नेक्स्ट है अ कैलॉमिटी दैट अर्थक्वेक अर्थ अंडर द सी इट्स सुनामी टी से शुरू होता है सुनामी हैं कहां है सुनामी तो सुनामी ऑप्शन तो हमें मिल नहीं रहा है तो इसमें हमें टिक करना पड़ेगा डी पार्ट नाइनटीन द टर्म यूज फॉर डैश कैन बी फाउंड इन द गिवन वर्ड ग्रिड कौन सा वाला हमें टर्म मिला है वेन ऑक्सी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन रेन विच इज एसिडिक इन नेचर दैट इज एसिड रेन ये हम देखते हैं चलिए एसिड रेन हेयर यही ऑप्शन हमें मिला है तो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस ऑनली और ये हमें मिला है कौन से ऑप्शन में बी नाइनटीन्थ का बी इज द करेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सेंटेस फॉर स्टडिंग टू टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट एक्स एंड वाई फॉर द डिस्पोजल एंड देयर अफेक्ट ऑन एनवायरमेंट दो तरीके के वेस्ट है दे प्लॉटेड अ ग्राफ शोइंग चेंजेस इन देयर क्वांटिटीज ओवर टाइम व्हेन डर्म्ड इन ओपन फील्ड रेफर टू द गिवन ग्राफ एंड सिलेक्ट द ऑप्शन सीरेंजेस एक्स वाली सीरेंजेस हैं इनका जो डिक्लाइन आया देखो सीरेंजेस कॉटन बॉल्स ब्रोकन के पल्स सिजर्स इनका डिक्लाइन आया है और जो चीज़ अभी भी वैसे बराबर ही यूज़ हो रही है वो है कॉटन स्वैब्स ब्रोकन स्पल्स सरेंजस मेडिसन्स ठीक है तो इसमें हमें बताना अकॉर्डिंग टू द गिवन ग्राफ एक्स इज़ बायोडिग्रेडेबल मटीरियल बिकॉज इट इज़ इट्स क्वान्टिटी डिक्रीजेज ओवर टाइम और वाई जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है सो दे रे मेन ऑलमोस्ट द सेम ओवर आर पीरियड ऑफ टाइम सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बी वाला ओके okay? सो so, इसके साथ थम्सअप करेंगे वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऑल द बेस्ट फॉर यू एन एस एग्जाम